केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही नए ट्रैफिक नियम बनाए हैं, जिसमें कानून तोड़ने वालों को भारी जुर्माना अदा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कुछ लोग इसे तुगलकी फरमान भी कह रहे हैं। तो वहीं सोशल मीडिया पर इस तरह के प्रैंक वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं। लोग नए ट्रैफिक नियमों के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। कई जगह तो लोगों को गाड़ी से महंगा चालान हो रहा है, लेकिन अब जो हम तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें आप साफ देख सकते हैं कि नए ट्रैफिक नियमों का कोई डर नहीं है। तो देखा आपने तस्वीरों में किस तरह सरकारी गाड़ियां बिना नंबर प्लेट के धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रही हैं। ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की हैं, जहां इनकी गाड़ियों पर लिखे पुलिस और प्रशासन के रौबदार नेम प्लेट अपने आप में ही कानून है। इस बारे में जब एक शख्स से बात की गई तो उनका कहना है कि आम जनता के इतने बड़े बड़े चालान किए जा रहे हैं, जबकि सरकारी गाड़ियों की जाँच कौन करेगा, वो तो खुलेआम नियमों को तोड़ते हैं। अगर वो खुद ही नियमों का पालन करते तो इस नए कानून की जरूरत नहीं पड़ती। जो संशोधन का आया है बिल, इस कानून को तो सरकार का एक कहते हैं तुगलकी फरमान है। सरकार ने ये नहीं समझा कि उसका उद्देश्य, सरकार का उद्देश्य टैक्स का संग्रहण होता है, नियमों का अनुपालन कराना होता है, ना कि पेनाल्टी और दूसरे तरह से अर्थदंड लगाकर आम नागरिक की जेब से पैसे उगाही करने का तरीका। ठीक है, आपने बड़ा बहुत बहुत पेनाल्टी का जुर्म दे करके और आपने दहशत का एक माहौल कायम करने की कोशिश की है, तो क्या यह दहशत जो सरकारी मुलाजिम हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं और जो अन्य कर्मचारी हैं DTO ऑफिस का, आप आकर देख लें सड़कों पर, कहीं किसी के सर पर हेलमेट है, किसी के डॉक्यूमेंट होंगे, उसको तो कोई चेक करने वाला है नहीं। कलेक्ट्रेट का कर्मचारी हो और दूसरे महकमे का कर्मचारी हो, उसको चेक करने वाला कौन है? उस पर तो उसने लिख दिया समाहरणालय, उसको छूट मिल गई। अब उनके लिए ये सारी छूट है, और एक सामान्य नागरिक अगर मैं अनजाने में यहाँ घर से बाहर निकल कर जाऊँ और हेलमेट मैंने नहीं पहन रखा है तो मेरे लिए जुर्माने की राशि है। छोटी राशि नहीं है, बड़ी राशि है। कानून पहले भी था, उसका अनुपालन क्यों नहीं किया गया? अनुपालन अगर सख्ती से किया जाता, इन्हीं पदाधिकारियों के द्वारा स्वयं पर और दूसरों पर भी वैसे ही वो लागू होता, तो शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। वहीं इस बारे में जब DTO साहब से बात की गई तो उनका कहना है कि दफ्तर में सिर्फ 4 ही लोग हैं, वो हर तरफ नहीं पहुंच सकते, लेकिन नए कानून सब पर लागू होंगे, उससे कोई नहीं बच सकता। अगर कोई पुलिस विभाग की गाड़ी बिना नंबर प्लेट के सड़क पर चलती है तो आला अधिकारियों की मदद से उस तक पहुंचा जाएगा। ऐसे ही सभी सरकारी विभाग पर ये नियम लागू होते हैं। गाड़ी को रोका, सीट बेल्ट पर उनको मैंने फाइन किया, कल की बात है, झारखंड नंबर की गाड़ी। तो इस तरह से सब पर हाथ रखने जा रहे हैं, क्योंकि वो केंद्र सरकार हमारे परिवहन विभाग का आदेश है, उससे किसी को छूट नहीं है। वो सतर्क हो जाए, सबको इशारा हम लोग कर दिए हैं। अगर थाना की बात है तो SP साहब के माध्यम से वहाँ तक पहुँचेंगे, और जिला के और ऑफिसर की बात है तो हमारे DM साहब के माध्यम से उन तक पहुँचेंगे, लेकिन पहुँचेंगे, ये सरकारी आदेश, हमारे परिवहन विभाग का आदेश ये लागू होगा। वर्दी वाले भी तीन तीन मोटरसाइकिल पर बैठे हुए रहते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ जो है ओवरलोडिंग में सवारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, वो सब पे फाइन नहीं होता? नहीं, फाइन होने जा रहा है। देखिए, हम लोग 4 आदमी मात्र हैं ऑफिस में, 4 आदमी, हम लोग किसी एक कोना पर जाएंगे और ये लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हम लोग इशारा झटका दे रहे हैं, अब हम लोग फाइन नहीं कर रहे हैं। 10 आदमी को पकड़ा, ये इशारा कर रहे हैं कि सब सतर्क हो जाइए, ये आपको पनिशमेंट होगा, बड़ा पनिशमेंट होने। DTO साहब तो कह रहे हैं कि ट्रैफिक नियम सब पर एक समान लागू होगा, चाहे वो आम हो या खास। अब सबकी गाड़ियों पर नंबर प्लेट लग जाएगी,
पर यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी महकमे में भी नए नियम के आने का इंतजार किया जा रहा था कि कब नए नियम आएंगे तभी गाड़ियों पर नंबर प्लेट लगेगी। ये तो वही हाल हुआ जैसे चिराग तले अंधेरा। अब देखना होगा कि सरकारी विभाग ट्रैफिक के नए नियमों का कब तक पालन करेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।